आइए भक्तो श्रवण करें शुक्र प्रदोष या भिगुवारा प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि एवं उद्यापन विधि के बारे में। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वह शुक्र प्रदोष या भिगुवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत के करने से जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक कुमार पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, किंतु गौणा शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता, किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई और फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शिवजी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिवजी का पूजन करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकती हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्र कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुशा के आसन पर बैठकर शिवजी का पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवजी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिवजी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वर्धहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चरम धारण किए हुए रतन जड़त सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं।
कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 21, 11 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती करें, उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें, भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की उत्थापन विधि के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उत्थापन करना चाहिए। उत्थापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ साथ जागरण करें। उत्थापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर लें, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं, मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं और शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाकर हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर ओम उमा सहत शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें, ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपनी इच्छा अनुसार 1, 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। ओम नमः शिवाय।